बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेनल मैकेनिज्म्स। आज हमने देखना है कि हमारे रेनल मैकेनिज्म्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड फ्रॉम अबाउट 6.7.35 to 7.45। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेनल मैकेनिज्म्स हैं ये लॉन्ग टर्म पीएच रेगुलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? लॉन्ग टर्म पीएच रेगुलेशन कराते हैं। क्या करते हैं कि जो ये रेनल मैकेनिज्म्स हैं इनमें क्या क्या होगा कि एक तो मेंटेनेंस होगी ऑफ द एल्कली रिजर्व। एल्कली रिजर्व क्या है? हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस टू द कार्बोनिक एसिड इज 20:1। ये जो 20 है हमारे पास कितने 20 टाइम्स ज़्यादा है जो बाइकार्बोनेट है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोनिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? एल्कली रिजर्व कहते हैं। और ये हमारी पीएच जो पीएच इम्बैलेंसेज होंगे उनको मेंटेन करेगा, उनको बफर करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस कराएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ब्लड में जो है एसिडिटी हो रही है, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड की पीएच डिक्लाइन हो रही है, तो क्या होगा कि जो किडनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन की सेक्रेशन कराएंगे और बाइकार्बोनेट आयंस की रिटेंशन कराएंगे। ठीक है, ये सारे मैकेनिज्म्स को हम देखेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेनल मैकेनिज्म्स वो ऑपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर ब्लड की पीएच डिक्लाइन कर रही है तो उनका अलग जो है रिएक्शन होगा, और अगर ब्लड की पीएच रेज करी है तो उनका अलग तरह से रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 है, जबकि जो यूरिन की पीएच है वो 5.0 to 7.5 है, विच इज़ एसिडिक। ठीक है, हमने पहले देखा था कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिक एनवायरनमेंट और मूविंग टुवर्ड्स द डिक्लाइन इन पीएच। इसी वजह से हमारी जो ये जो डिक्लाइन इन पीएच है इसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस या ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिडिटी है उसको रिमूव किया जाएगा। और वो रिमूव ऑफकोर्स किस जरिए से होगी हमारे पास? या तो एक्सहेलेशन के ज़रिए से होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, या फिर यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए होगी जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है विच इट इज़ एसिडिक एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। ठीक है, अब हमारे पास जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रोल प्ले करता है इन द रेनल रेगुलेशन या रेनल मैकेनिज्म्स ऑफ पीएच रेगुलेशन। किस तरह से रोल प्ले करता है? चार तरह से रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कराता है। क्या कराता है? एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स कराता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल सॉल्ट एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम। क्या क्या है? एक्सक्रीट कराएगा अमोनिया को, टाइट्रेबल सॉल्ट को और हाइड्रोजन आयंस को। किस किस को? प्रोटॉन्स को, अमोनियम को और टाइट्रेबल सॉल्ट्स को। इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन कराएगा बाइकार्बोनेट आयंस की। किस तरह से कराएगा इसको अभी देखते हैं। अब जो हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है ये होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। क्या होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होती है। यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास होती है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किस तरह से होती है कि अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें रफली इट इज़ अ कैपिलरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेनल ट्यूबुलर सेल्स हैं और फिर ये हमारे पास रेनल ल्यूमेन है। ठीक है, रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन है, तो हमारे पास ब्लड है। ठीक है, उसके बाद रेनल ट्यूबुलर सेल्स हैं और फिर हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमेन है जहाँ पर फिल्ट्रेट ने इकट्ठा होना है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास रेनल ट्यूबुलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस एंड एच पॉजिटिव। बेसिकली H2CO3 बनता है, उसके बाद वो फर्दर डिसोसिएट करता है इनटू दीज आयंस। ठीक है, ये फर्दर डिसोसिएट होगा और जो HSO3 है, HCO3 है या बाइकार्बोनेट आयंस है, ये रिटेन हो जाएंगे, चले जाएंगे ब्लड में और हाइड्रोजन आयंस चले जाएंगे इनटू द फिल्ट्रेट विच विल बी द यूरिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम है उसकी रिटेंशन होगी और वो आ जाएगी इनटू द ब्लड। आपने ये याद रखने के आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, तो एक हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं, पॉजिटिविटी जा रही है, तो साथ ही पॉजिटिविटी आ भी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनकी भी, ये जो यूरिन है इसका भी, इसको भी बफर होगा, इसको भी बफर करेगी ह्यूमन बॉडी और इसके साथ भी बाइंड करेंगी नॉन कार्बोनेट बेसिस। क्या? नॉन कार्बोनेट बेसिस और द फॉस्फेट बफर्स इसके साथ बाइंड करेंगी और यूरिन को भी बफर करेंगी। ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोजन के साथ भी बेस बाइंड कर देगी। ठीक है, हाइड्रोजन को भी बेस एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो रेनल मैकेनिज्म्स हैं वो एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कराएंगे। यहीं पे भी देख लें तो हमें समझ आ रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस कंजर्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बाइकार्बोनेट आयंस कंजर्व हो रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी इन डेप्थ हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस किस तरह से कंजर्व हो रहे हैं।
अब दोबारा से हमारे पास वही है कि ब्लड है, रिनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, ल्यूमेन है। होता क्या है कि प्लाज्मा में हमें पता है कि ज़्यादातर आयंस जो हैं वो फिल्ट्रेट के साथ आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे पास बायकार्बोनेट आयंस भी आ गए। बायकार्बोनेट आयंस अगेन हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन आ रही थी, उनसे कंबाइन करेंगे H2CO3 बनाएंगे, वही ज़्यादा प्रोसेस रिपीट होगा और दोबारा से बायकार्बोनेट आयंस इधर चले जाएंगे, ठीक है। यानी मुख्तलिफ रिएक्शंस के थ्रू बायकार्बोनेट आयंस दोबारा से HCO3 नेगेटिव की तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब हमारे प्लस ब्लड में चले जाएंगे बायकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म होगा, ऑफकोर्स अगेन वही सारा प्रोसेस है, और इस तरह से हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी ऑफ द बायकार्बोनेट आयंस। इसके अलावा हमारे पास एक्सक्रीशन होनी है ऑफ द टेट्राएबल सॉल्ट, कहते हैं हम एक्सक्रीशन ऑफ टेट्राएबल एसिड की तरफ से। ये क्या है कि हमारे पास कितने हमें, मतलब स्लिन मैंने बताया कि हमारी ब्लड की भी 7.4 थी, उसको डिक्लाइन करके 4.5 ले जाने में हमें बहुत सारे एसिड्स ऐड किए होंगे, हमने इसमें हाइड्रोजन आयंस ऐड किए हैं, हमने इसमें और बहुत सारे एसिड्स ऐड किए हैं मेक इट ऑफ 4.5 pH, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अगर हमने इस 4.5 पीएच को रिवर्स करना हो, हमने इसको वापस 7.4 पे लेके जाना हो, तो उसके लिए जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड या जितनी बेस रिक्वायर होगी वही अमाउंट होगी जितना हमने एसिड इसमें ऐड किया था। यानी जितना एसिड ऐड किया था इसकी पीएच को डिक्लाइन करने के लिए, उतना ही बेस चाहिए होगी ना इसको वापस लेके जाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ टेट्राएबल एसिड, कि हमारे जितना हमें इसको डिक्लाइन करने के लिए अमाउंट चाहिए थी, उतनी ही वापस गेन करने के लिए चाहिए होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ टेट्राएबल एसिड कहते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ नॉर्मेलिटी ओवर 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 1 लीटर यूरिन बैक टू पीएच ऑफ 7.4, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइट्रेबल एसिड की अमाउंट होगी, ठीक है। होता क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, वही सारा मैकेनिज्म है, बस हमने इसमें फॉस्फेट बफर का एडिशन कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर थी, H2CO3 बनाया, या कार्बोनिक एसिड बनाया, जिसने फिर फर्दर बनाया बायकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस। ये जो बायकार्बोनेट आयंस हैं ये इन्होंने चले जाना है ब्लड में, सोडियम ने भी मूव करना है ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ने इस तरफ को मूव कर जाना है। अब हमारे पास जो सोडियम मूव की थी, हमने देखा था कि हमारे ब्लड में क्या होता है, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या होता है, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। जब सोडियम यहाँ से मूव करेगी इनटू द ब्लड, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसके साथ हाइड्रोजन आयंस ऐड होंगे और क्या बना देंगे, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या बना देंगे, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जो मैंने आपको पिछली पेज पे बताया था कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के साथ भी फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्ट करेगा और यूरिन को भी बफर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और ये एक्सक्रीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एक्सक्रीशन होनी है ऑफ द अमोनियम आयंस, क्या होनी है, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस होनी है। ये जो अमोनियम आयंस है ये मेजर यूरिन एसिड हैं, क्या है, मेजर यूरिन एसिड हैं, विच अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 2/3 ऑफ द एसिड लोड जो कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो रहा है। उसके उस एसिड लोड का कितना है ये आयंस, 1/2 to 2/3। अब होता क्या है कि ग्लूटामीन पर एंजाइम एक्ट करेगा और इसकी डीएमाइनेशन हो जाएगी, क्या होगी, ग्लूटामीन पर माइन एक्ट करेगा, ये ग्लूटामेट बन जाएगी और इसकी डीएमाइनेशन हो जाएगी। ये जो डीएमाइनेशन होगी ना, ये जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा था जिसके जरिए हाइड्रोजन आयंस इधर आ रहे थे, अब ये जो अमाइनो ग्रुप है या जो अमोनिया है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयंस के साथ और अमोनियम बना के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, अमोनियम बना के या ये जो है अमोनियम बना के या यूरिन एसिड बना के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और एक दफ़ा फिर से हमारी जो पीएच है या जो नेगेटिव जो हमारे पास एसिडिटी थी वो चली गई इन द यूरिन और जो बेसिसिटी थी वो आ गई इन द ब्लड और हमारी ब्लड की पीएच मेंटेन हो गई। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्ले फॉर आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू सो मच।